श्री हरिहर हॉस्पिटल। 28 अगस्त साल 1963 को लगभग 2 लाख से ज्यादा लोगों ने समानता और स्वतंत्रता का आह्वान करते हुए एक मार्च निकाला। सभी लोग वाशिंगटन डीसी में लिंकन मेमोरियल पर एकत्र हुए थे। एक दिवसीय इस मार्च में भेदभाव का विरोध किया गया और नागरिक अधिकार कानून को पारित करने की मांग की गई। इस दिन मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने ऐतिहासिक भाषण दिया, जो आई हैव ए ड्रीम यानी मेरे पास एक सपना है के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मार्टिन लूथर के इस ऐतिहासिक भाषण को अमेरिकी इतिहास में सबसे प्रतिष्ठित भाषणों में से एक माना जाता है। इस मार्च के कुछ समय बाद नागरिक अधिकारों का कानून बना। इस कानून के तहत रंग, नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल को अलग रखते हुए सभी अमेरिकियों को समान अधिकार देने का आश्वासन दिया गया। मार्टिन लूथर को अमेरिकी समाज में रंग भेद के विरुद्ध अहिंसात्मक आंदोलन चलाने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया।